दो को बोतल हमको भी मिल गया। पटना जंक्शन पे एक और भी चीज़ देखने को मिल गया कि भाई ट्रेन है सारा कैंसिल, तो पानी का लूट मच चुका है जब भाई। पास का लास्ट दर्शन, अभी हम लोग चले अंदर। हम लोग खड़े हैं हाथ में टिकट लेके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। और फिलहाल मैं हूँ पटना जंक्शन, और अभी यहाँ से निकलना है गांधी मैदान। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह गांधी मैदान में आने वाले हैं। गांधी मैदान के पास जो बापू सभागार है, तो वहाँ पर वो आने वाले हैं पावर स्टार पवन सिंह। वैसे तो ये कार्यक्रम जो है शाम के 4 बजे होने वाला है, बट हम लोग पहुँच चुके हैं पहले से ही, और यहाँ से अभी ऑटो लेंगे डायरेक्ट गांधी मैदान के लिए। और गांधी मैदान के पास जाएंगे बापू सभागार, और वहाँ पर चलकर आपको दिखलाते हैं कि क्या अरेंजमेंट है, क्या वहाँ पर तैयारी है, और पवन सिंह के टीम के तरफ से कितने लोग वहाँ पर अभी आ चुके हैं। तो ये सारी जानकारी अभी चलकर हम आपको दिखलाते हैं। तो अभी डायरेक्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये है पटना जंक्शन, द मोस्ट फेमस सिटी ऑफ बिहार। और यहाँ से डायरेक्ट ऑटो लेंगे गांधी मैदान के लिए। वैसे कल भी पटना हम आए थे, कल गांधी मैदान के ऑटो नहीं मिल पाया था, बट आज देखते हैं आज का क्या सीन है। अभी यहाँ से निकलेंगे गांधी मैदान, और गांधी मैदान के पास ठीक सामने बापू सभागार है, तो वहीं पे जाना है। और एक बार बैग से मैं आपको दिखला देता हूँ पटना जंक्शन के बाहर का सीन। भाई सबसे पहले तो देख लीजिए, यहाँ पर पीछे में हनुमान मंदिर है। तो जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय श्री राम कहते हुए अभी यहाँ से हम लेंगे ऑटो और निकलेंगे डायरेक्ट गांधी मैदान के लिए, और वहाँ पर चल के देखते हैं अभी क्या सीन है। तो भाई आपका बहुत कर रहा है मेहनत, गर्मी में धूल फाँकते हुए आरा से पटना आ चुका है। बस इस मेहनत के लिए आप लोग भाई को सपोर्ट कीजिए, है ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। ललका को दबा के हल्का कर दीजिएगा। अभी चलते हैं ऑटो लेने के लिए, इससे मिलेगा गांधी मैदान के लिए ऑटो, और यहाँ से ऑटो पकड़ के अभी निकलना है। वैसे मिलने का चांस मुझे आज भी कम ही लग रहा है। गांधी मैदान जाना पड़ेगा पैदल, जस्ट बिकॉज कि ऑटो नहीं है। ऑटो उधर काफ़ी कम हो गया जाना, पता नहीं क्या रीज़न क्या है, फिर से जाना पड़ेगा पैदल। कल भी आए थे पटना, तो कल भी गांधी मैदान पैदल ही गए थे, और आज फिर से पैदल ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि फिर से जंक्शन टू गांधी मैदान पैर से चल के जाना है। और ये हमारे पीछे देख सकते हैं दूसरा पार्क, पटना का सबसे आई थिंक फेमस पार्क है दूसरा पार्क। कहाँ है टाइम पास करना है, तो आई थिंक ये कम बजट में बेस्ट है। इससे बेहतर पार्क पटना में मेरे हिसाब से नहीं है कोई। पटना में वैसे बहुत सारा पार्क है, बट इससे बेहतर पार्क आपको पटना में नहीं मिलेगा। बुद्धा पार्क, जो कि पटना जंक्शन के पास ही स्थित है, जैसा कि देख ही रहे हैं कि अभी हम धूप में सड़ रहे हैं यहाँ पे। और लोगों को लगता है, फैमिली वाले को, रिलेटिव्स को, दोस्त वगैरह को लगता है कि भाई जो है मजा कर रहा है, हमेशा पटना जाता है, इधर जाता है, कितना मजा करता है, क्या करता है। दोस्त लोग से कहता है कि लौंडियाबाजी करने जाते हो पटना, तो तमाम तरह के आरोप लगते रहते हैं, लोगों का सोच है। लेकिन हम तो अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जिस दिन मेहनत का फल मिल जाएगा, उस दिन सबको जवाब भी मिल जाएगा। तो इंसान को जवाब अपने काम से देना चाहिए, जुबान से नहीं देना चाहिए। आई बिलीव इन दिस। भैया अभी हम हैं गांधी मैदान में, दोपहर के 2 बज रहे हैं, और यहाँ से अब जाने वाले हैं, जो कि सामने में बापू सभागार है। यहाँ पर सामने पावर स्टार पवन सिंह का प्रोग्राम। तो दोस्तों देख सकते हैं, अभी हम आ चुके हैं बापू सभागार के पास। अभी अंदर जाना अलाउ नहीं है, बट ये देख सकते हैं, और इसी में पावर स्टार पवन सिंह आने वाले हैं। शाम के 5 बजे से यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है, और ये वही बापू सभागार है जहाँ पर आज से कुछ महीने पहले सोनू सूद भी आए थे, और काफ़ी हो हल्ला और बवाल हुआ था उस टाइम। और उसी बापू सभागार में आज पावर स्टार भोजपुरी के पवन सिंह आने वाले हैं। और अभी पवन सिंह जो है यहाँ पटना के सबसे फेमस होटल मौर्य होटल में ठहरे हुए हैं, और कुछ देर पहले उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार से मुलाकात भी किया, और उसके बाद वो होटल में हैं, और शाम के 4 बजे के बाद यहाँ पर आने का निश्चित हुआ है अभी। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बापू सभागार के बाहर, और कहते हैं कि जहाँ चाह होता है वहाँ राह होता है, और राह मिल गया। कहने का मतलब है कि टिकट मिल चुका है, अभी हमारे हाथ में है ये एंट्री पास बापू सभागार के अंदर जाने के लिए। और वेट कर रहे थे, इंतजार में बैठे थे कि शायद कुछ जुगाड़ लग जाए, वरना ऐसे ही एंट्री करेंगे, बट एक भैया मिले जो कि पास दे रहे थे, पास मिल चुका है। हम लोग जा रहे हैं एंट्री के लिए, और हाथों में है पास, देख सकते हैं, और गेट नंबर 10 से हमारा एंट्री होगा। और आज जो है पावर स्टार पवन सिंह को
पास से देखने का मौका मिलने वाला है भाई साहब। अभी पास का लास्ट दर्शन और अभी हम लोग चले अंदर बापू सभागार, देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों बापू सभागार, देख सकते हैं लोगों का एंट्री हो रहा है। अभी हम लोग खड़े हैं हाथ में टिकट लेके और कुछ ही देर में तकरीबन एक घंटा के अंदर जो है पावर स्टार पवन सिंह यहाँ पर आने वाले हैं और आज जो है फाइनली एकदम मस्त जो है दर्शन होगा पावर स्टार पवन सिंह का। बाहर में रखना यहाँ बैग नहीं जाएगा, बैग जो है बाहर रखना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब ये सभागार है। तो ये है बापू सभागार और एंट्री हो चुकी है हमारी, देखिए। वाह वाह भाई, खूबसूरत है जी। सभागार आ चुका, पूरा खाली है भाई। इस तरह का ये लोग कह रहा था कि भीड़ होगा बट वैसा कुछ है नहीं भी अंदर आने के बाद। और फर्स्ट टाइम बापू सभागार बाहर से बहुत बार आए हैं, फर्स्ट टाइम अंदर में आए हैं। और बहुत खूबसूरत व्यू है, फुल्ली एसी है, एयर कंडीशनड है। और सामने में है स्टेज जहां पर पावर स्टार पवन सिंह कुछ ही देर में आने वाले हैं। और ये देखिए कार्यक्रम हो चुका है समाप्त और पावर स्टार पवन सिंह यहाँ से जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ पर साथ में अनुपमा यादव भी आई हुई थी। चलिए देखिए पानी का बोतल लूटने के लिए यहाँ पर क्या, चलिए। तो पानी का लूट मच चुका है जब भाई, कितना मिला गुजरा, दो गो बोतल हमको भी मिल गया। तो दोस्तों कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और पावर स्टार पवन सिंह यहाँ पर बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप से धीरे से खिसक लिए और पीछे से साथ में उनका अनुपमा यादव भी आई थी, वो भी बिना किसी को बताए एक भजन कीर्तन की और वो भी निकल गए। और इतना मतलब अजीब तरीका से तो दोनों निकला लोग कभी विश्वास नहीं हो रहा है। जब नीचे बाहर में आदमी आया एंकर अचानक से आके कह रही है कि कार्यक्रम समाप्त हो गया, अब आप लोग अपने गंतव्य मतलब कि अपने घर जा सकते हैं। तो इस तरह से इस कार्यक्रम का समापन होगा इसका मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। बट चलिए एक बात का खुशी है कि आज पावर स्टार को सुनने का मौका मिला, पास से देखने का मौका मिला, इस बात का खुशी है। और चलिए सारी चीज़ें आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगी और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, पूरा दिन आज पटना में निकल गया, धूप में एकदम हालत ख़राब है, अभी तक कुछ खाए नहीं है सिवाय वही एक इडली के, कुछ खाया नहीं है। तो बस इसके लिए भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। सभागार के हम पीछे खड़े हैं रोड पे गांधी मैदान के पास और देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर भर भर के, पूरा गाड़ी भर भर के आया था लोग। और मोस्टली लोग जो था वो होंडा साइन का ही था, जितना भी लोग आया था होंडा साइन की तरफ से आया था। में मज़ा नहीं आया सच बताए तो, इतना पवन सिंह आए 7 बजे आए और एक दो गाना किया उसके बाद चले गए, तो मज़ा नहीं आया जो कार्यक्रम में मज़ा आना चाहिए। थोड़ा सा गुस्सा भी हो गए थे चूँकि यूट्यूबर लोग जिसको वो लोग मान सम्मान देने का बात कर रहे थे वही यूट्यूबर लोग आज जो है वहाँ पर पंगा कर दिया, वहाँ पर माहौल ख़राब कर दिया, जिसके वजह से पवन सिंह गुस्सा भी हो गए और गुस्सा हो के यहाँ से आज निकले हैं पावर स्टार पवन सिंह। हाँ, और जैसा कि कहते हैं कि यूट्यूबर भाई लोग को सम्मान देते हैं लेकिन यूट्यूबर ही आज जो है उनका बैंड बजा दिया भाई। चलिए तो ये चीज़ें थी आपके लिए, हम आए थे आज पटना में और पटना पर आकर सारा चीज़ सुबह से कवर किए। तो चलिए आप लोग को उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। जो ललका बटन होता है उसको दबा के हल्का कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम चलें पटना जंक्शन स्टेशन और वहाँ से गाड़ी पकड़ के अपना आरा जिला उखाड़ देला किला द सिटी ऑफ पावर स्टार पवन सिंह। गर्मी से हालत ख़राब हो चुका है, गांधी मैदान से पैदल आए हैं पटना जंक्शन और यहाँ से अभी जाना है। देखते हैं ट्रेन है कि नहीं, सुन रहे ट्रेन बहुत सारा कैंसिल है अभी। तो आज पटना जंक्शन पे एक और भी चीज़ देखने को मिल गया कि भाई ट्रेन है सारा कैंसिल, आगे जो है एक तार गिर गया है जिसकी वजह से सारा ट्रेन जो है अभी डिले चल रहा है। अभी देखिए कितना बजे घर पहुँचते हैं, कब ट्रेन मिलता है, अभी सारा ट्रेन जो है पीछे छूटा है।